लॉकडाउन में बाजार खोलने की ढील मिलते ही जिम संचालकों ने भी सरकार से जिम खोलने की गुहार लगा दी है। फरीदाबाद में जिम संचालकों ने कहा कि जब सरकार पार्क, बाजार, ऑफिस और सैलून खोलने का आदेश दे सकती है तो जिम खोलने में क्या एतराज है। उन्होंने कहा कि सभी जिम संचालक कोविड नियमों का पूरी तरह से पालन करेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष तौर पर ध्यान भी रखा जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं पिछले साल भी लॉकडाउन लगा था और सबसे पहले गवर्नमेंट जो है जिम को ही बंद करती है और सबसे लास्ट में जिम को ही खोलते हैं। तो जैसे कि आपको पता है इस कोरोना काल में दिक्कतें सबको आई है, लेकिन जो हम देख रहे हैं, जो हम फील कर रहे हैं कि जैसे गवर्नमेंट ने जितने भी शॉपकीपर है, मॉल्स है या जो भी इनको छूट दी है, तो ये लगा लिए कि हम भी गवर्नमेंट से ये चाहते हैं कि कुछ हमें भी राहत मिले, हमें भी छूट मिले, जो भी हम अपनी जिम चला सकें। और जैसे कि 5 महीने पिछले साल भी बंद रही है जिम, उससे हम अभी तक उभरे नहीं थे कि ये नया लॉकडाउन आ गया। और नए लॉकडाउन में फिर आपको पता है सबसे पहले जिम बंद हुई है, उसके बाद अभी तक पूरी मार्केट खुल गई है, सब कुछ है, सबको गवर्नमेंट ने राहत दी है, लेकिन अभी तक जिम बंद है। तो गवर्नमेंट से यही अपील है कि थोड़ा जो फिटनेस लाइन में है उन पर भी थोड़ा सा ध्यान दे, उनको भी राहत दे कि वो भी अपनी रोजी रोटी चला सके। देखिए जैसे कि आप हमारा बोर्ड देख सकते हैं, हमने अभी जब लॉकडाउन लगने से पहले ही ये बोर्ड पे हमने ये लगाया था, मतलब जो मास्क वगैरह है ये अनिवार्य है। और जिम से ये होता है, जिम वर्कआउट करने से क्या, जो लोग वर्कआउट नहीं करते वो अपने खाने पीने का और ना सोने का किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं देते, लेकिन एक जिम ऐसी चीज़ है जिससे इंसान के अंदर डिसिप्लिन बना रहता है, कब खाना है, कैसे खाना है। वर्कआउट करने से क्या होता है कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम और स्ट्रॉन्ग हो जाती है वर्कआउट से, तो ये तो बहुत ज़रूरी है। और जिन्होंने जिम किया कर रहे हैं या जिन्होंने जिम किया होगा उनको अच्छी तरह पता है कि भाई जिम से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन आप क्या कह सकते हैं भाई, अब ये गवर्नमेंट का फैसला है। तो अगर जिम ओपन की जाती तो कैसे सेफ्टी बरतेंगे, क्या क्या जो है उसमें गाइडलाइन का पालन कराया जाएगा सभी लोगों से, कैसे वो जो है एक दूसरे से बचें या सोशल डिस्टेंसिंग करें, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो यहाँ पर आए। ऐसा है कि गवर्नमेंट जब अगर जिम के लिए गाइडलाइन देती है तो जो भी गाइडलाइन होगी हम गवर्नमेंट की मानेंगे, उसमें कि आपका जैसे सोशल डिस्टेंसिंग या आपने कम से कम मतलब जो बैच में है कम से कम लोग रहे यहाँ पे, और अपना मास्क वगैरह अनिवार्य ही कर देंगे और पहले भी किया उन्होंने, अभी भी रेगुलर ही। और आप ये कह सकते हैं कि अपनी तरफ से पूरी की पूरी जितनी भी गाइडलाइन होगी पूरी की पूरी हम कोशिश करेंगे पूरी करने की। जिम संचालकों का कहना है कि उनके पास इस व्यवसाय के अलावा कोई आमदनी का सहारा नहीं है और पूरा परिवार इसी पर निर्भर है। ऐसे में अगर सरकार ने जिम खोलने की राहत नहीं दी तो उनका और उनके परिवार का गुजर बसर भी अब मुश्किल हो जाएगा। हालांकि जिम संचालकों ने सरकार से जिम खोलने की मांग तो उठाई है, लेकिन देखना ये होगा कि जो सरकार बाजारों को खोलने का निर्णय ले चुकी है वो जिम खोलने का फैसला लेती है या फिर इसके लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।